सब्सक्राइब अड्डा 24/7 एंड प्रेस दी बेल आइकन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट लेकर। टू द पॉइंट में हम लोग देखते हैं किसी भी एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी लोग आ जाए, फिर हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं टू द पॉइंट में मीथेन के बारे में, और मीथेन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उन फैक्ट्स की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो जहाँ तक दोस्तों हम लोग बात करते हैं मीथेन की, तो देखते हैं मीथेन जो है क्या है। तो मीथेन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो मीथेन देखिए, जो मीथेन है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जो कि हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना हो, कार्बन से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है मीथेन, तो याद रखेंगे मीथेन जो हाइड्रोकार्बन कई तरह के होते हैं। एक होता है एल्केन होता है, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है ना। याद रखेंगे तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसकी हम लोग हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी हम एक पूरा सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए। अभी आपको ये समझना है, हाइड्रोकार्बन तीन तरह के होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। और जो ये एल्केन होता है ना, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये आप लोगों को पता होगा, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और जब एल्केन में आप जब कार्बन की वैल्यू एक पुट करते हैं, जब एन आप एन की वैल्यू एक पुट करते हैं, तो उसे लोग बोलते हैं मिथ बोलते हैं, है ना। जब हम लोग कार्बन की, जब हम लोग यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो वहां से क्या होता है, उसे हम लोग मिथ बोलते हैं। और जब आप इस एल्केन ग्रुप में, यानी CnH2n+2 वाला जो ग्रुप है हमारा, इसमें जब n की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो वहां पर हमारा बनेगा क्या, CH4 बनेगा। क्या बनेगा, CH4। और इसलिए इस CH4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे मीथेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। तो यानी कि मीथेन जो एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, और जहां पर एन की वैल्यू 1 पुट करने से हमें क्या प्राप्त हुई है, मीथेन। और मीथेन देखिए, यहां पर जो कार्बन का एक एटम है वो हाइड्रोजन के 4 एटम से क्या है, यहां पर जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं हम लोग, यहां पर जो मीथेन है हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन एटम क्या कर रहा है, यहां पर जुड़ा हुआ है मीथेन के अंदर। अब इसके फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, मीथेन से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं। मीथेन का क्या है ये हम लोगों को समझ में आ गया, अब हम लोग मूव करते हैं मीथेन के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मीथेन को जब जलाया जाता है, ठीक है ना, मीथेन का जब दहन किया जाता है, तो यह क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल पैदा करता है, पानी पैदा करता है। क्लियर है ना। यानी कि देखिए, एक चीज तो आपको पता होगा कि कंबशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसके बिना दहन पॉसिबल नहीं है। दहन के लिए सबसे अनिवार्य चीज होता है ऑक्सीजन, ये आपको पता है। और ऑक्सीजन की खोज करने वाले दोस्तों कौन थे, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ऑक्सीजन की खोज किसने करी है कमेंट में आप लोग बताइए। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इस मीथेन की। यहां पर देखिए, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन हुआ, यहां पर देखिए क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या बन रहा है, वाटर। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब मीथेन का दहन किया जाता है तो कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, तो याद रखेंगे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और दो मॉलिक्यूल किसका बनता है दोस्तों, दो मॉलिक्यूल वाटर का बनता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो मीथेन किसकी उपस्थिति में मीथेन को जलाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न कि मीथेन को जलाने पर क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और तीसरा प्रश्न बनेगा कितने मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, ये तीन प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग दोस्तों, अगर मजा आ रहा है आप लोगों को तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो कह रहा है कि जनरली मीथेन गैस को किस नाम से जानते हैं, मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। यानी जो मीथेन गैस होता है ना, यानी जो सीएनजी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जिसे हम लोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसमें भी याद रखेंगे जो सबसे मुख्य रूप में होता है वो कौन होता है, सबसे मुख्य रूप में कौन सी गैस मौजूद होती है, उसमें भी मीथेन होती है, आपको याद रखनी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है, तो मीथेन गैस का यूज किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यहां पर क्लोरोफॉर्म को बनाने में किसका, क्लोरीन का भी यूज होता है और किसका यूज होता है, मीथेन का भी यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देखिए, जब क्लोरोफॉर्म का जो सबसे पहले फॉर्मूला यहां पर देखें तो ये CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। देखिए यहां पर सी है, तीन क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। क्लोरोफॉर्म का कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो ये जो देख रहे हैं फॉर्मूला CHCl3, ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। और याद रखेंगे, इस क्लोरोफॉर्म का जो यूज किया जाता है ना, ये किसके लिए किया जाता है, लोगों को बेहोश करने के लिए, यानी कि बेहोश करने के लिए, बेहोशी समय किसका, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए यहां पर मीथेन है, मीथेन के साथ क्लोरीन मिला तो पहले CH3Cl बनाया और HCl रिलीज किया, फिर इसके साथ हमने क्लोरीन मिलाया तो CH2Cl2 बनाया और HCl बनाया, और फिर जब इसके साथ हमने क्लोरीन मिलाया तो क्या बनाया, CHCl3, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ। तो यानी कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका यूज होता है, मीथेन का यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और यहां पर ये क्लोरोफॉर्म के निर्माण में मीथेन के साथ और किसका यूज होता है दोस्तों, क्लोरीन गैस का भी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, अगला फैक्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, साथ साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर देखिए, मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्स जो गैस है, मार्स ग्रह पर, मार्स पर कौन सा गैस सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे मार्स गैस जो है उस पर कौन सा गैस का उपलब्धता है काफी ज्यादा, ये देखिए, ये गैस, ये मार्स गैस का, मार्स जो प्लेनेट है उसका पिक। और यहां पर ये देख रहे हैं, ये जो गैस देख रहे हैं, ये कौन सी गैस है, ये मीथेन गैस है, ठीक है ना। और इसी मीथेन गैस को इसलिए किस नाम से जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो मार्स है गर्म जो है, वो किसके कारण, मार्स जो एक गर्म ग्रह है वो भी किसके कारण, तो याद रखेंगे वो मीथेन के कारण होता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले फैक्ट को देखते हैं। अगला फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कोल गैस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोल गैस ये एक गैसियस मिक्सचर है किसका, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तीनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कई बार पूछा जाता है कि कार्बन जो कोल गैस होता है, कोल गैस किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और किससे मिलकर बनता है दोस्तों, CH4 यानी मीथेन से, इस तीनों से मिलकर कोल गैस का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये जो बनता कैसे है, याद रखेंगे जब बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयले की तीन प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट होता है। आपको यह भी पता होगा कि सबसे ज्यादा जो कार्बन का कंटेंट होता है वो किसमें होता है, एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है, 90% से ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है किसमें, एंथ्रासाइट नामक कोल में, ठीक है ना। जब कोयले को, बिटुमिनस कोयले का जब हवा की अनुपस्थिति में जब उसको जलाया जाता है, देखिए ये कोयला है, जब इसको हवा की अनुपस्थिति में जलाते हैं तो उससे द्वारा जो मतलब निर्माण होता है, उससे हम लोग, उससे जो गैस निकलती है उसे कोल गैस कहते हैं। ये किसका किसका मिक्सचर है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। और आपको दोस्तों ये भी पता होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम लोग हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है वाटर गैस बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाने पर कौन सी गैस बनती है, वाटर गैस बनती है, आपको यह भी पता होगा। और जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो वो कौन सी गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो ये दोस्तों कौन सी गैस बनाती है, प्रोड्यूसर गैस बनाती है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, वाटर गैस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कोल गैस का आपसे पूछा जाता है, कोल गैस में कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है, तो मीथेन उसमें मेन कंपोनेंट होता है और उसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी होता है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, अगला फैक्ट दोस्तों देखते हैं, तो याद रखेंगे ऑयल गैस जो होता है ना, तेल गैस जो मतलब तेल जो होता है ना, तेल में जो गैस पाया जाता है, याद रखेंगे वो कौन सा, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, इसके बाद इथीन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन बोलते हैं, एथीन, और याद रखेंगे उसके बाद क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये इस चारों से मिलकर हाइड्रोजन, मीथेन, इथीन, इथेनॉल,
इथीन और कार्बन मोनोऑक्साइड इस चार से मिलकर इथीन का फॉर्मूला याद रखेंगे C2H4, इसका फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये किस ग्रुप का है? तो ये एल्किन, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन ये किस ग्रुप का हाइड्रोकार्बन है दोस्तों? एल्कीन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन होता है। कौन? तो हमारा इथेन। तो ये ऑयल गैस जो है ये किससे किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन, मीथेन, इथीन और किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले फैक्ट को जानते हैं। मीथेन को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे। जो मीथेन है, मीथेन को गोबर गैस या इसे बायोगैस भी कहा जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बायोगैस भी कहते हैं, आपको याद रखना है। देखिए मीथेन ये जो बायोगैस का प्लांट है एक, यहां पर क्या होता है देखिए, यहां पर ये जो देख रहे हैं CH4 के साथ साथ बायोगैस में क्या होता है? CO2, CH4 के साथ साथ CO2 होता है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसमें डंग वगैरह क्या करते हैं, सारा कुछ इसमें इकट्ठा करते हैं और यहां से ये जो गैस है इस तरह से बाहर निकल के बाहर आता रहता है, ठीक है। यहां पर याद रखेंगे इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, बायोगैस भी कहते हैं, और बायोगैस जो होता है उसमें क्या क्या होता है? मीथेन के साथ साथ क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आपको याद रखनी है इस पॉइंट को। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट याद रखेंगे, जो धान के खेत होते हैं, कई बार पूछा जाता है धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत या जो दलदली क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र का मतलब जहां पर पानी का जमाव होता है, ये जो दलदली क्षेत्र या जो धान के खेत होते हैं ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? मीथेन नामक गैस रिलीज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना। यहां पर देखिए जैसे है ना, ये धान की खेत है, तो यहां से निकल रहा है कौन सा गैस निकल रहा है? मीथेन गैस निकलता है। और ये चीज भी याद रखेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग में जो कंपोजिशन होता है मीथेन का, वो मीथेन का 20% ग्लोबल वार्मिंग में, जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम लोग भूमंडलीय तापन कहते हैं, उसमें मीथेन का कंपोजिशन कितना होता है? 20% होता है। कई बार पूछा जाता है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, आप इसे याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं, याद रखेंगे। मीथेन इज हाईली इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस, यानी कि मीथेन एक कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, विच इज एक्सटर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेस्टिनल स्टरलाइजेशन ऑफ फोडर इन रूमिनेंट एनिमल। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या है, मीथेन एक प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये तो एक कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, इसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो जुगाली करने वाले पशुओं में चारे के आंत्र किण्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होती है। पशु के पहले पेट में पशु आहार का किण्वीकरण मीथेन का प्रमुख स्रोत है। यानी जब देखिए जो मतलब पेट जो घास खाने वाले जो मतलब जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं ना, जब उसके आंत में खाना जाता है तो उसका जो आंत होता है ना, पहला पेट, उसे कहा जाता है रूमेन, उसे हम लोग रूमेन कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं के, इसलिए वो पहले खाकर क्या करते हैं, इस रूमेन में अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं और बाद में क्या करते हैं ना, उसका जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने के दौरान जो है उससे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। किसके रूप में? डकार के द्वारा निकलती है और मुंह से क्या होती है? ये उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं ही सिर्फ ऐसा नहीं हूं कि जो कि मीथेन का उत्सर्जन करता हूं, हम लोग मुझे ही सिर्फ दोषी मानते हो, ऐसा नहीं है। ये भी कंपोजिशन, ये भी मतलब मीथेन का रिलीज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि जुगाली करने वाले पशु, इसलिए ये बेचारा नाराज है, कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें बोल रहे हो, नहीं, इसके साथ धान के खेत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखेंगे मीथेन नामक गैस निकलती है। और वो अपना खाना कहाँ पर इकट्ठा करते हैं? रूमेन, और बाद में जुगाली करते हैं इस रूमेन से निकाल कर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले फैक्ट की। अगला फैक्ट याद रखेंगे, मीथेन गैस यूजुअली कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। जो कोल माइंस होते हैं ना, कोल माइंस या कोयला खदान जो होते हैं, कोयले की खदान में जो विस्फोट होते हैं, वो विस्फोटों का कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी कौन सा है? मीथेन गैस है। मीथेन गैस ही कोयला खदानों में विस्फोट का कारण होता है, ये भी आपको याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले फैक्ट की तरफ, अगला फैक्ट देखते हैं। यहां पर देखिए, एक ग्रीन हाउस गैस समटाइम्स अराइव्ड एज GHG, GHG का मतलब ग्रीन हाउस गैस ही है, इज ए गैस दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। ग्रीन हाउस गैसेस कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ्स एटमोस्फेयर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। यानी कि देखिए, हमें यहाँ से ये क्या पता चला कि जो ग्रीन हाउस गैस है ना, वैसी गैसें हैं जो कि हमारे मतलब
एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे वायुमंडल में जो टेम्परेचर आता है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वापस नहीं जाने देता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है और जो वापस नहीं जाने देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, जलवाष्प है। ये सबसे ज्यादा मतलब उत्तरदायी है किसके लिए, ग्रीन हाउस मतलब इफेक्ट के लिए, हरित घर प्रभाव के लिए। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे गैस पूछा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण गैस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऐसे पूछा जाए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जलवाष्प। उसके बाद मीथेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ओजोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, याद रखेंगे। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखेंगे, ये नाइट्रस ऑक्साइड एसिड रेन के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहां पर देखिए सभी के सोर्स दिए हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज होता है, मीथेन कहां से रिलीज होता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड कहां से रिलीज होता है, उसके बाद एचएफसीज कहां से रिलीज होता है, ये सारा आपको दिया हुआ है। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये यही तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसी ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करने के लिए दोस्तों एक प्रोटोकॉल भी साइन किया गया, आपको पता होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, इसी ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि यही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम दे रहे हैं। अगले फैक्ट को देखते हैं हम लोग। अगला फैक्ट तो यहाँ से देखिए, पूछा जाता है सबसे उत्तरदायी कौन है, तो जलवाष्प। अगर आपसे गैस पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर पूछा जाए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं, तो उसमें ये सभी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, अगला फैक्ट देखते हैं हम लोग। अगला फैक्ट है, मीथेन इज ए हाइड्रोकार्बन एंड इट्स एटोमिक मास इज 16। यहाँ पर देखिए मीथेन का कई बार एटोमिक मास पूछ दिया जाता है, याद रखेंगे इसका एटोमिक मास कितना होता है, 16 होता है, और ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा ही है। यहाँ पर देखिए कैसे इसका एटॉमिक मास 16 है, तो 12 किसका होगा, कार्बन। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक मास, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, यानी कि 12 और 4 कितना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 इसका क्या होगा, एटॉमिक मास होता है, ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले फैक्ट की तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं और अगले फैक्ट को देखते हैं मीथेन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पैक है, देखिए मेथनोजन। मेथनोजन एक बैक्टीरिया है दैट प्रोड्यूसेस मीथेन एज वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि ये जो बैक्टीरिया देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं मेथनोजन। और मेथनोजन एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, मीथेन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया मीथेन को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो याद रखेंगे वो कौन सा होता है, मेथनोजन नामक बैक्टीरिया इसे मीथेन के रूप में, मतलब अपने वेस्ट को मीथेन के रूप में एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन इज -162 डिग्री सेल्सियस या -250 ये फारेनहाइट में दिया हुआ है, और -182.5 या लगभग -184 या 183, और ये क्या है इसका -296.5 डिग्री फारेनहाइट। ये तो आपको पता है कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये आपको पता होगा। यहां पर देखिए मीथेन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला, तो मीथेन जो है एक कैसा गैस है, कलरलेस और ऑडरलेस गैस है। दूसरी बात अगर करें तो ये एक जहरीली गैस नहीं है, नॉन पॉइजनस गैस है। ये गैर रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में रहती है, तो गैस फॉर्म में रहते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मीथेन की प्रॉपर्टीज से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आपको इसे याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट देखते हैं मीथेन के बारे में, याद रखेंगे केमिकल्स डेराइव फ्रॉम मीथेन इंक्लूड मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड नाइट्रोमीथेन। यानी मीथेन से जो जो रसायन बनाए जाते हैं, एक तो मीथेनॉल है, एक क्लोरोफॉर्म है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक नाइट्रोमीथेन है। मीथेनॉल देखिए कैसे बनाया जाता है, जब CH4 से एक हाइड्रोजन, CH4 कैसा है हमारा, इस तरह का होता है, समझना है, और जब यहाँ से क्या करते हैं ना, इससे एक H को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एक एच को जब हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ OH से, ये हमारा क्या बना देता है, ये हमारा बना देता है मीथेनॉल बना देता है। तो इसलिए देखिए मीथेनॉल का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, CH3OH। ये मीथेनॉल का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है कि मीथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिए कि मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, और ये भी किससे प्राप्त किया जाता है, मीथेन से। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4,
इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये भी प्राप्त होता है हमारा मीथेन से, और क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोगों ने अभी अभी देखा है। अब चलते हैं हम लोग अगले फैक्ट की तरफ, मूव करते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, याद रखेंगे मीथेन का जब 100 डिग्री सेल्सियस पर, यह टेम्परेचर याद रखेंगे, जब मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका अधूरा दहन किया जाता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो उससे क्या प्राप्त करते हैं, उससे हम लोग कार्बन ब्लैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे जब मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो उससे हमें कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से कहां पर तैयार यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के टायर में, और रबड़ को मतलब प्रबलिंग एजेंट यानी रबड़ को हार्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे देखिए रबड़ का रनवे है, तो रबड़ का जो रनवे बना है ना, उसमें हार्ड करने के लिए किसका, कार्बन ब्लैक का यूज किया गया है। यह देखिए जैसे टायर है, टायर के ऊपर देखिए जो इंक होता है ना, जो काला काला सा कलर देखते हैं, जो टायर के ऊपर जो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है, वो भी क्या होती है, वो भी कार्बन ब्लैक ही होती है। जो शू का सोल होता है ना, शू के सोल में भी किसका यूज होता है, कार्बन ब्लैक का ही यूज होता है। हाईवे में भी इसका जो होता है कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है, और ये कार्बन ब्लैक इस तरह का कुछ दिखता है। जब मतलब कोल का मतलब जब इस मीथेन का इनकम्प्लीट कंबसन 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तब जाकर हमारा प्राप्त होता है क्या, कार्बन ब्लैक, और इसका छपाई में, टायर में, रबड़ में, इस सभी में इसका यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मीथेन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारा मीथेन से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उन सभी फैक्ट को हम लोगों ने देखा है। बाकी हम लोग इसी तरह और छोटे छोटे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, वैसे टॉपिक्स और वैसे फैक्ट को लेकर मैं आपके साथ टू द पॉइंट में आता रहूंगा, और आपके सजेशंस भी हमें जरूरी होते हैं कि सर इस टॉपिक पर, कई बच्चे कह रहे हैं ब्रेन पर बनाने के लिए, ब्लड पर बनाने के लिए, ब्लड ग्रुप पे बनाने के लिए, तो बिल्कुल बनाएंगे। अभी हमारा बायो का लेक्चर चल रहा है 11 बजे से, उसमें बायो के काफी फैक्ट मैंने किए हुए हैं, और जो उसके अंदर मतलब हम लोग और भी मतलब चलेंगे वहां पर देखेंगे ही, प्लस इस सीरीज में हम लोग अभी हम लोग बायो के भी टॉपिक्स लेंगे, केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स लेंगे, फिजिक्स के भी टॉपिक्स लेंगे। तो आप लोग दोस्तों इसी तरह अपना सजेशन देते रहिए, और मैं आपके साथ इसी तरह ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आता रहूंगा, और यहां पर आप लोग इसी तरह आते रहिए टू द पॉइंट में। और दोस्तों अगर मजा आ रहा है आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, इसी समय टू द पॉइंट में एसएससी अड्डा पर। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड हैव अ गुड डे।